हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी, अपने नोट्स को प्रॉपर कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आपके वीकली टेस्ट चल रहे हैं, तो आपके टेस्ट का सिलेबस आपके पास आ चुका है। आपने अपनी तैयारी को अच्छे से कर भी रहे होंगे और इस अच्छे से तैयारी करोगे भी आप, है ना। तो आपके पास जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस आया है, उसमें आपके 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1952-1990। ठीक है, आपको पता है आपके जो टेस्ट होने हैं वो 20 मार्क्स का टेस्ट होना है और सभी 20 मार्क्स के आपके पास MCQs आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चंस में वे उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने। तो ये छोटा सा रिवीजन वीडियो आपका टेस्ट रिवीजन वीडियो है, जिसे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लर्न करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, कि भाई निम्न में से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर निर्माण किया जाता है उसमें इंक्लूड की गई है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ दीज। तो वो जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि जो द्वितीय कारक होते हैं, उसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है, यानी कि सेकेंडरी में। क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज इंक्लूड इज द प्राइमरी सेक्टर, कि निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती है, मीन्स प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूड की जाती है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन सी वो गतिविधि है। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इज सर्विस, थर्ड इज इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। डैश वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित की गई सुरक्षा में कौन सी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, तो वो कौन सी थी, रेलवेज। ठीक है, कि हमारा जो ब्रिटिश काल था, जो ब्रिटिश रूल थे, उसमें कुछ डेवलपमेंट किया गया था, तो वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष के रूप में वर्णित किया गया, कि वो ग्रेट डिवाइड ईयर कौन सा है, कौन सा विभाजन किया गया, कब डिस्क्राइब किया गया था वो, तो 1921 को। फोर्थ क्वेश्चन हुआ आपका। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या थी, कि भाई वो पर कैपिटा इनकम इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पर ग्रोथ रेट क्या था। तो वो जो ग्रोथ रेट था, वो ग्रोथ रेट था हमारा 0.5%, 0.5% की पर कैपिटा इनकम थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर, हमारी ग्रोथ रेट ये थी, क्या थी, 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू, कि भाई जो हमारे भारत के आधे से ज़्यादा जो अधिक विदेशी व्यापार कहाँ तक सीमित था, यानी कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो कब कहाँ तक सीमित था। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चाइना, सेकंड इज ब्रिटेन, थर्ड इज कोरिया एंड जो फोर्थ है हमारा वो श्रीलंका है। तो यहाँ पर हमें पता है, हमने इस चैप्टर की वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का जिक्र हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फॉलो करते थे वो सभी हम ब्रिटिश रूल को फॉलो करते थे। तो हमारा जो इंडिया का जो आधे से ज़्यादा जो व्यापार था, जो ट्रेड था, वो फॉरेन ट्रेड था और वो कहाँ तक सीमित था, ब्रिटेन तक। क्लियर हुई बात। सेवन्थ पर आते हैं। विच इंडस्ट्री रिसीव्ड द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द क्लोनिकल रूल, कि भाई आपने, यानी कि क्लोनिकल रूल के टाइम में किस उद्योग को सबसे बड़ा झटका लगा था। तो वो हमारा सबसे बड़ा जो वर्क बंद किया गया था वो हैंडीक्राफ्ट का था, जो हम अपने हाथों से बनाकर रेडी करते थे, है ना। तो किस इंडस्ट्री को लगा था, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा था उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्ट इन दिस ईयर,
द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्ट इन द ईयर, कि भाई यहाँ पर पहली आधिकारिक जनगणना वर्ष में आयोजित की गई है। तो किस वर्ष में आयोजित की गई थी? फर्स्ट जो हमारी जनगणना आयोजित की गई थी वो ईयर था हमारा 1881 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीज़न फॉर स्टेंजस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज, कि भाई हमारा जो ब्रिटिश रूल है यानी कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में जो ठहराव आया है उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। जो हमारा मेन रीज़न था ठहराव का, जो एग्रीकल्चर में हमारे ठहराव आया है उसका मेन रीज़न क्या है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकंड है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशंस, फोर्थ हमारा कॉमर्लाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर पर जो हमारा ठहराव आया है उसका जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कि हमारी जो भूमि थी, भूमि का जो सिस्टम था वो सेटलमेंट सही से नहीं हो पा रहा। तो यही हमारा क्या रहा है, मेन रीज़न रहा है एग्रीकल्चर में ठहराव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, ठीक है, कि हमारे जो विभाजन के कारण कौन सा उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, कि भाई जब हमारा एरिया पार्टीशन हुआ है तो उससे हमारी कौन सी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। तो उसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से, सिल्क, कॉटन, नायलॉन या जूट। तो वो हमारे जो इंडस्ट्री जो इफेक्टिव हुई है, जिस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, वो हमारी जूट है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में कराए हैं। आपको अपनी बुक के तो लर्न करने ही करने हैं, लेकिन इस वीडियो के भी ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड चैप्टर, चैप्टर 2, इंडियन इकोनॉमी 1952-1990। फर्स्ट है इसका, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड, है ना, कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है। तो नीति आयोग कब इस्टैब्लिश हुआ था, 2015 में। द फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड फ्रॉम, ठीक है, कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी एक अवधि कब शुरू की गई थी, तो कब शुरू गई थी, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की एक अवधि शुरू की गई थी, जो वो 1951 से 1956 तक है, क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय, कि भाई जो हमारी पूंजीकृत अर्थव्यवस्था है, जो हमारी कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है, उसको नियंत्रित और संचालित किया जाता है, कब, किस सेक्टर में। फर्स्ट ऑप्शन आता है प्राइवेट सेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर ए एंड बी। तो यहाँ पर जो हमारी जो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है वो कंट्रोल और ऑपरेट की जाती है, उसका ऑप्शन है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम अपनी कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी को कंट्रोल और ऑपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, मींस जीडीपी क्या है, जीडीपी की हमें फुल फॉर्म बताने। तो ये तो सभी को पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसेस एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, When was the National Development Council's NDC set up as an adjunct to the Planning Commission? कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना योजना आयोग के सहायक के रूप में कब की गई थी, कि भाई नेशनल डेवलपमेंट NDC को जब हमने सेटअप किया था तो वो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के रूप में कब की गई थी। तो वो 1952 में की गई थी, कौन सा ईयर है, 1952, क्लियर हुआ, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इकोनॉमी क्या है हमारी, सोशलाइज्ड इकोनॉमी है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या नन ऑफ दीज है। तो इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हमारी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो नीति आयोग की फुल फॉर्म है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ दीज इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि भाई इनमें से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ये आपने 11th में भी पढ़ा है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है उसमें हमारे जो ऑप्शन आएगा वो ऑल ऑफ दीज आएगा, कि ये सभी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट ऑप्शन आपका फाइनेंस मिनिस्टर। तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और कहाँ पर, इन इंडिया। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, कि निम्न में से कौन पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है। नॉट ए गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, कि उसका लक्ष्य नहीं है वो। तो इसमें क्या क्या है, ग्रोथ, फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ, सेकेंड इज इक्विटी, थर्ड इज लैंड रिफॉर्म एंड फोर्थ इज मॉडर्नाइजेशन। तो जो एक गोल नहीं है पंचवर्षीय योजना का, 5 ईयर प्लान का, वो क्या है हमारा, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ 20 ऑब्जेक्टिव MCQs थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से। आपको अपनी बुक से, जिसके पास जॉब वाली बुक है, इंडियन इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट की बुक है, उसमें से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी MCQs हैं, वो सब आपको लर्न करने हैं और अच्छे से अपना टेस्ट देना है, अच्छे से अपने नोट्स को प्रॉपर वे में राइट नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि जल्द ही अगर आपकी गाइडलाइन आ जाती है स्कूल खुलने की, तो आपकी प्रॉपर से स्टडी कराई जाएगी। जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं अपने नोट्स को प्रॉपर करने के लिए, लर्न करने के लिए, वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने के लिए, आप उनको ध्यान से सुने, समझें और अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।